बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बीजेपी नेता कार्यकर्ता पूरे दिन प्रत्याशियों की सूची का इंतजार करते रहे। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कहा कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से किए जा रहे भावुक पोस्ट पर कहा कि इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आदित्य साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रुचि ने। में भले ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर संशय बरकरार हो, लेकिन सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। कितना समय और लगेगा इसके लिए राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हमारे साथ हैं। सर, कब तक आखिर ये जो सूची है वो जारी? चुकी बीजेपी नेताओं की टेंशन तो बढ़ी रही है कि बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने हमारे संभावित प्रत्याशियों की सूची सामने चली आएगी। तय होते ही केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशियों की सूची, कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर देगी। ये तीन सीट रांची, हटिया, खाके जो है, मांडर की भी बात कर लेते हैं, ये चार सीट ज्यादा हॉट सीट दिख रही हैं कि कब आएगा प्रत्याशियों की सूची, कब आएगी? नहीं, हॉट सीट तो है ही, और हमारे कार्यकर्ता ही इन सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और ये निश्चित है कि हमारे कार्यकर्ता ही इस बार चुनाव इन चारों सीटों से लड़ने का काम करेंगे। बोरो प्लेयर उतारने को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बोरो प्लेयर के भरोसे बीजेपी? कहाँ बोरो प्लेयर उतर रहा है, कौन बोलता है बोरो प्लेयर? बोला कि सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे। बंटी बबली कहा गया था कि चुनाव आयोग जो है बंटी है, आप लोग बबली हैं। आठ का हांडी चढ़ गया, लेकिन दोबारा फिर चढ़ने वाला 2019 का तरह नहीं है। 5 वर्ष इनको अवसर मिला, लेकिन 5 वर्षों तक ये लोगों ने ऐश मौज किया, अपने तिजोरियों को भरने का काम किया, जनता की कोई चिंता नहीं की। इसे जनता इनको इस बार सबक सिखाने काम करेगी और मुंह तोड़ जवाब देने काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। सर, ठीक है, वो तो अब उनकी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए थी कि 5 वर्षों तक तो वही मुख्यमंत्री रहे, जीएमएम का मुख्यमंत्री रहा। जनता ने उनको मैंडेट देने का काम किया था, जनता ने काम करने के लिए अवसर दिया था। चाहते तो झारखंड में बहुत सारा काम कर सकते थे, जो 1 महीने के अंदर विज्ञापन और तरह तरह का जो बातें कर रहे मीडिया के सामने, वो काम करते 5 वर्षों तक, पूर्ण मोहब्बत की सरकार थी। और अभी भावनात्मक बात बोल करके जनता को ठगना चाहते, तो जनता उनकी बातों पे आने वाली झारखंड की नहीं है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जल्दी सूची जारी होगी ना सर? नहीं, ब्लड प्रेशर क्या, वो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कोई परिवारवादी और वंशवादी पार्टी नहीं। सभी लोग तो लड़ नहीं सकते, कोई एक ही कार्यकर्ता लड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता घोषणा होने के बाद जिस कार्यकर्ता को जिम्मेवारी मिलती है उसको जिताने का। जो भी नेता हो, कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, जो इंतजार कर रहे हैं कि सूची कब आएगी, तो जल्द ही सूची जारी हो सकती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।